हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ बॉक्स फुल ऑफ स्टेशनरी आइटम का वीडियो गाइस। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इस बॉक्स में सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी गाइस। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज इस बॉक्स को खाली करते हैं, देखते हैं इस बॉक्स में हमें किस तरह की स्टेशनरी आइटम मिलती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, हमें ऊपर एक काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त बॉक्स मिलता है, और ये तो है एक फिश वाला बॉक्स। चलो निकालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज मिलती है। तो ये देखो दोस्तों, हमें मिलती है काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग सी चार फिशेस। ये देखो, ओहो वाओ, काफी अमेजिंग। और देखते हैं ये फिश कैसी है और इन फिश के अंदर गाइस हमें क्या मिलती है। तो ये देख सकते हो काफी जबरदस्त क्वालिटी की दोस्तों फिश है, देख सकते हो कितनी अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है चारों फिश का कलर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। चलो इसका ढक्कन ओपन करते देखते हैं क्या इसके अंदर। तो इसका ढक्कन ओपन करते हैं दोस्तों। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो मिला हमें एक हाइलाइटर, और वाह काफी अमेजिंग। और टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त है। और चलाते हैं तो ये देखो दोस्तों, फिश वाला हाइलाइटर कितना जबरदस्त चल रहा है यार, काफी अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है जब मैं हाइलाइटर चला रहा हूं तो देखो दोस्तों मेरे हाथ में कितना गुड लुकिंग लग रहा है ये फिश वाला हाइलाइटर। ये तो ग्रीन कलर का हाइलाइटर मिला इस फिश के अंदर। चलो सेकंड फिश को चलाते हैं, उस फिश में देखते हैं इस वाली फिश में हमें किस तरह का कलर मिलता है। तो चलो इसका भी ढक्कन ओपन कर लेते हैं। तो ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर गाइस हमें ब्लू कलर का हाइलाइटर मिल जाता है। ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग, ये भी काफी जबरदस्त चल रहा है। और ये देखो दोस्तों कितना गुड लुकिंग और कितना अमेजिंग लग रहा है यार फिश वाला हाइलाइटर। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है इस सेट में हमें चार तरह के हाइलाइटर मिलते हैं, यानी चार शेड्स मिलते हैं। तो आपको ये फिश वाला हाइलाइटर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलती है कार, ये देखो दोस्तों कितनी जबरदस्त कार मिलती है, काफी अमेजिंग। और ये कार नहीं है, ये है एक कार वाला शार्पनर दोस्तों। हम यहाँ पे पेंसिल लेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे इस तरह से, और सारा कूड़ा गाइस इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में आ जाएगा। देख सकते हो इसके अंदर गाइस सारा कूड़ा आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है गाइस, कार लुक में शार्पनर, और इसके शीशे को हम ऊपर करेंगे फिर इसका होल ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हो होल ओपन हो जाएगा, फिर हम अपनी पेंसिल को यहाँ डालेंगे, फिर पेंसिल शार्प करेंगे। और सबसे अच्छी बात है इसका शार्पनर बड़ा भी हो जाता है, ये देख सकते हो शार्पनर बड़ा हो गया। इसके बोनेट को खोलेंगे तो शार्पनर काफी बड़ा हो जाता है, काफी अमेजिंग है। तो ये कार वाला शार्पनर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक बेंटन का बॉक्स। ये देखो दोस्तों कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग मिला। और ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स है गाइस एक पेंसिल बॉक्स, और ये आता है 129 रुपीज का। और वाह पेंसिल बॉक्स, और इसके अंदर तो कुछ आवाज भी आ रही है। चलो देखते हैं इस बेंटन ज्योमेट्रिक बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं। ये देखो दोस्तों इस बॉक्स में हमें तो दो मिलती है वुडन पेंसिल, वो भी बेंटन की। और वाह काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग साइज तो काफी जबरदस्त है। और सबसे अच्छी बात है इन दोनों पेंसिल के ऊपर बेंटन की फोटो छपी है यार, काफी जबरदस्त पेंसिल मिल गई इस बॉक्स के अंदर। और देखते हैं क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें एक बेंटन का पेन मिल जाता है, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग। और इस पेन में तो दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 रिफिल भी मिल जाते हैं। चलो एक रिफिल को चलाते हैं, ब्लैक रिफिल को नीचे कर लेते हैं, और इसकी टिप देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी अमेजिंग है। चलाते हैं दोस्तों, तो चलाया तो ये तो चल ही नहीं रही है, क्या हुआ, ये तो बड़ा गंदा लॉल हो गया, ब्लैक कलर तो चल नहीं रहा। चलो रेड कलर को चलाते हैं, देखते हैं रेड कलर चलता है या नहीं चलता हमारा। रेड कलर को चला के देखते हैं, रेड कलर भी नहीं चल रहा। तो हमें इसके अंदर बेंटन का बेकार सा पेन मिला जो चल ही नहीं रहा दोस्तों। चलो इसे बाद में चला के देखेंगे चलता है या नहीं चलता। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में क्या मिला। बॉक्स हो गया बिल्कुल खाली, और ये बेंटन का बॉक्स है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है मेटल का ये पेंसिल बॉक्स है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इसके ऊपर जो बेंटन की फोटो छपी है ना, ये काफी गुड लुकिंग बना रहे हो, काफी अमेजिंग बना रही है, और काफी जबरदस्त लगा ये मुझे बेंटन का पेंसिल बॉक्स दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये एलिफेंट, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग। और ये एलिफेंट नहीं है, ये तो है एक एलिफेंट वाला शार्पनर, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग। और पेंसिल को कैसे शार्प करेंगे यार, पेंसिल को कहां से शार्प करेंगे। तो पेंसिल को शार्प करेंगे इसके सूंड को नीचे करेंगे, फिर हम पेंसिल डालेंगे, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। ये देख सकते हो हमके अंदर शार्पनर मिल जाता है, काफी अमेजिंग था, काफी जबरदस्त था दोस्तों। और ये एलिफेंट वाला शार्पनर आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक पेंसिल पाउच एक यूनिकॉर्न का, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग। एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच मिला, इसमें एक ही जिप है। चलो ओपन
करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। और इसके अंदर भी स्पेस काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस यूनिकॉर्न पेंसिल पाउच के अंदर। दोस्तों क्वालिटी वाकई में काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है, देख सकते हैं। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, एक डायरी, एक पॉपिट वाली डायरी। ओहो वाओ यार, काफी अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है इस डायरी पे दोस्तों हमें एक पेंसिल पाउच भी मिल जाता है, ये देख सकते हो। इसके ऊपर गाइस हमें पेंसिल पाउच मिल गया और इसके अंदर गाइस हम अपनी सारी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है गाइस, हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं इस पॉपिट के साथ। दोस्तों काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। इस डायरी में हमें पाउच भी मिल गया दोस्तों, पॉपिट भी मिल गया और पेजेस भी काफी सारे मिल जाते हैं। ये देख सकते हो कितने सारे पेजेस मिल जाते हैं, आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो काफी मोटी डायरी है। तो आपको ये पॉपिट डायरी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें एक बॉक्स मिलता है और ये बॉक्स तो दोस्तों इरेजर प्लस पेंसिल शार्पनर है। और वाह काफी अमेजिंग, और ये यूनिकॉर्न का है। चलो बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं दोस्तों ये इरेजर और पेंसिल शार्पनर सेट कैसा है। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो ये देख सकते हो ये है गाइस एक यूनिकॉर्न का इरेजर और इसके अंदर गाइस मिलता है हमें शार्पनर। ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग मिल जाता है, 2-in-1 सेट है, काफी जबरदस्त है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में गाइस हमें मिलती है एक डोरेमोन की पेंसिल, ये देखो दोस्तों। और ये पेंसिल नहीं है, ये है एक पेंसिल पाउच दोस्तों, काफी अमेजिंग, जिसमें दोस्तों डोरेमोन की फोटो छपी है। और सबसे अच्छी बात है इसमें एक हैंडल मिल जाता है जिससे काफी इजीली से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। इसमें एक जिप मिलती है, इस जिप को ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस और इसकी गहराई काफी अच्छी है, जिसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये डोरेमोन की पेंसिल वाली पेंसिल पाउच कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है एक लॉयन वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ओहो वाह यार काफी अमेजिंग है, कलर देख सकते हो कितना जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं ये देख सकते हो हमें ट्रे मिलता है। ट्रे पे देखो दोस्तों हमें 1, 2, 3 बड़े बड़े पेंसिल लॉक मिल जाते हैं। ट्रे हटाते हैं तो नीचे काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है और इसमें हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या चीज मिलती है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिली है, इसके अंदर फ्लेयर की आर्ट किट और इस आर्ट किट का प्राइस कितना है, 149 रुपीज। और अब वाह काफी अमेजिंग, 149 रुपीज में हमें कितने आइटम मिलते हैं चलो देखते हैं। तो 149 में दोस्तों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम मिलेगी। चलो 9 आइटम देखते हैं कौन कौन सी मिलती है। तो फाड़ते इसे पन्नी को और निकालते हैं दोस्तों स्टेशनरी आइटम। तो सबसे पहले इसके अंदर मिलती है हमें वैक्स क्रियोन्स कलर, और इस वैक्स क्रियोन्स कलर की प्राइस की बात करें तो 10 रुपीज के वैक्स क्रियोन्स कलर है। चलो आप साइज देखते हैं वैक्स क्रियोन्स कलर के साइज कैसे और क्वालिटी कैसी है दोस्तों। तो ये देख सकते हो ये क्वालिटी काफी जबरदस्त है, साइज काफी छोटे हैं दोस्तों वैक्स क्रियोन्स कलर के। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों इस किट में हमें क्या चीज मिलती है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक 15 सेंटीमीटर का रूलर, ये देख सकते हो 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है जिसका प्राइस है 5 रुपीज। चलो इसे भी साइड में रखते हैं और देखते हैं इस किट में हमें क्या मिलता है। तो इस किट में देखो दोस्तों हमें मिलती है 2 वुडन पेंसिल, वो भी ट्रायंगुलर वुडन पेंसिल मिल जाती है। वाओ यार काफी अमेजिंग, और साइज की बात करें साइज भी काफी अच्छा है इन पेंसिल का दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं इस किट में दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो इस किट में ये देखो दोस्तों हमें मिलते हैं ऑयल पेस्टल कलर, वाओ काफी अमेजिंग। ऑयल पेस्टल कलर की प्राइस की बात करते हैं तो ये आता है 45 रुपीज का। चलो देखते हैं ऑयल पेस्टल कलर गोल है या ट्रायंगुलर है, चलो बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं। तो ये निकाल लेते हैं बॉक्स से। तो ये देख सकते हो ये गोल ऑयल पेस्टल कलर सेट है, काफी अमेजिंग। चलो साइड रखते और देखते हैं इस किट में हमें क्या मिलती है दोस्तों। तो निकाला तो ये देख सकते हो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं 12 मिनी स्केच पेन, अरे वाह काफी अमेजिंग। और इसके प्राइस की बात करते हैं तो 15 रुपीज वाले मिनी स्केच पेन मिल जाते हैं। चलो साइड रखते और देखते हैं इस किट में हमें क्या मिलता है। तो इस किट में दोस्तों हमें मिलती है एक बिंगो डस्ट फ्री इरेजर, ओ वाओ, और ये तो है ट्रायंगुलर इरेजर, ये देख सकते हो ट्रायंगुलर इरेजर मिल जाती है, काफी अमेजिंग और काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों इरेजर मिल जाती है। और देखते हैं इस किट में हमें क्या मिलता है। तो ये देखो दोस्तों इस किट में गाइस हमें मिलता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो। और भी चीज देखते हैं क्या मिलता है सेट के अंदर। तो ये देख सकते हो निकाला तो इसके अंदर एक बड़ी बुक मिलती है, और ये बुक नहीं है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये तो है एक ड्राइंग बुक। ओह वाओ, और ये ड्राइंग बुक कितने रुपए की आती है चलो देखते हैं। तो ये 30 रुपीज की आती है और इसमें 20 पेजेस मिलेंगे। तो ये देख सकते हो दोस्तों ड्राइंग बुक मिल गई, काफी अमेजिंग, 149 रुपीज वाली किट में हमें ड्राइंग बुक भी मिल गई। और देखते हैं इस किट में गाइस हमें क्या मिलता है। तो ये देख सकते हो इस किट में गाइस हमें मिलती है 12 मिनी कलर पेंसिल, और ये एक मिनी कलर पेंसिल 30 रुपीज की आती है। वाओ काफी अमेजिंग, मिनी कलर पेंसिल देखते हैं कैसे होती है, मुझे साइज की बात करते हैं। तो निकाल लिया तो ये देख सकते हो साइज काफी अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है ये भी ट्रायंगुलर कलर पेंसिल है, और वाह
काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। तो ये गाइस किट हो गई, खा ली उस किट में तो एक से बढ़ के एक चीज मिली दोस्तों, 149 रुपीज के अकॉर्डिंग काफी अच्छी किट थी दोस्तों। चल साइड रखते और इस बॉक्स में देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें क्या मिला, वाओ कमोड, ये देखो कमोड मिला, अरे वाह काफी अमेजिंग, वो भी यूनिकॉर्न का कमोड मिला। और ये दोस्तों कमोड नहीं है, ये है एक कमोड वाला शार्पनर, नीचे होल मिल जाता है, इससे पता चला है दोस्तों। ये देख सकते हो काफी अमेजिंग और काफी जबरदस्त, देख सकते हो कितना जबरदस्त यूनिकॉर्न का कमोड वाला शार्पनर है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस किट में हमें क्या मिलता है। तो इस किट में दोस्तों हमें मिलती है एक हैप्पी प्लैनेट की पेंसिल पाउच, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग सी। और ये देख सकते हो इसमें गाइस हमें कीचन मिल जाता है काफी प्यारा सा। और सबसे अच्छी बात है इस पेंसिल पाउच को कैरी करने के लिए दोस्तों हमें हैंडल भी मिल जाता है इस पेंसिल पाउच में, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। कवर हटाते हैं, कवर हटाते हैं दोस्तों, इसमें मिलते हैं हमें एक जिप, दो जिप, दो जिप मिल जाती है। और इसका कवर देख सकते हो कितना बड़ा कवर है दोस्तों इस पेंसिल पाउच का। चलो दोनों जिप को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। तो पहले वाली जिप को ओपन किया तो इसे हटाया तो ये देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है। मेन जिप को ओपन करते हैं, अब मेन जिप में देखते हैं दोस्तों हमें कितना स्पेस मिलता है। मेन वाली जिप में भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो हैप्पी प्लैनेट की पेंसिल पाउच है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग सी। चल साइड रखते और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक कंसोलर, ओ गेमिंग कंसोलर सेट मिला, अरे वाह ये काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और ये तो है एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों, ओह वाह यार काफी अमेजिंग, देख सकते हो कितना जबरदस्त शार्पनर मिला, गेमिंग कंसोलर वाला शार्पनर है काफी जबरदस्त। मेरे को तो लगा ये कुछ और है बट शार्पनर है गेमिंग कंसोलर वाला दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में हमें मिलता है एक गाइस प्लैनेट का दोस्तों काफी अमेजिंग एलईडी लाइट लैंप दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो देखते हैं ये एलईडी लाइट लैंप कैसा है, चलो बॉक्स से निकालते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त लग रहा है ये तो। चलो पन्नी से निकालते हैं और लाइट लैंप देखते हैं कैसा है। तो ये देखो दोस्तों लाइट लैंप कितना जबरदस्त और कितना अमेजिंग है दोस्तों। और इसके ऑन ऑफ के बटन की बात करें तो यहाँ हमें ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ऑन किया तो ये देख सकते हो हम इस बटन में हमें तीन सेक्शन मिलते हैं, देख सकते हो एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, तीन सेक्शन मिल जाते हैं। पहले सेक्शन पे बंद रहता है, सेकंड सेक्शन पे करते हैं, सेकंड सेक्शन पे बटन में दोस्तों इस यानी इस एस्ट्रोनॉट के फेस में लाइट जल जाती है, ये देख सकते हो लैंप जल जाता है काफी अमेजिंग। और थर्ड सेक्शन पे बटन करते तो ऊपर दोस्तों काफी अच्छी लाइट जल जाती है, देख सकते हो लैंप कितना जबरदस्त, कितना अमेजिंग है दोस्तों, काफी प्यारा लैंप मिल जाता है दोस्तों। तो आपको ये एस्ट्रोनॉट का लैंप कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चल साइड रखता हूं और इस लैंप में जो एस्ट्रोनॉट के फेस पे जो लाइट जल रही है ना, ये मुझे वाकई में काफी जबरदस्त लग रहा है, काफी अमेजिंग लग रहा है। चलो इसे बंद करते हैं, साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो ये देख सकते हो इस बॉक्स में, ये देखो, ओहो वाओ काफी अमेजिंग, ये देख सकते हो पीकॉक, ओ वाओ पीकॉक मिल गया यार, ये देखो दोस्तों पीकॉक मिल गया। और ये पीकॉक नहीं है, ये है एक पीकॉक वाला पैन, ये देख सकते हो इसकी टिप तो काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें क्या मिला, ये है कैप्टन अमेरिका का एक पेंसिल पाउच और इसका कीचेन देखो दोस्तों, आयरन मैन का कीचेन मिलता, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त। और इसका कवर देख सकते हो कितना जबरदस्त कवर है दोस्तों, ये ओपन किया तो इसमें दोस्तों हमें एक जिप और दो जिप मिलते हैं। मेन जिप देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है और फ्रंट जिप को खोला तो देख सकते हो इसका भी स्पेस काफी अच्छा है और इसमें भी काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो कैप्टन अमेरिका की पेंसिल पाउच है दोस्तों। और बैक साइड में दोस्तों हमें एक और पॉकेट मिल जाता है, अरे वाह काफी अमेजिंग दोस्तों, काफी जबरदस्त। और मेन जिप पे दोस्तों हमें स्टार मिल जाता है, ओहो वाओ यार काफी अमेजिंग यार, काफी जबरदस्त पेंसिल पाउच है दोस्तों। चलो साइड रखते और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें एक यूनिकॉर्न की पेंसिल बॉक्स मिलती है, ये काफी बड़ी पेंसिल बॉक्स मिलती है। और इस पेंसिल बॉक्स के पीछे तो दोस्तों हमें व्हाइट बोर्ड भी मिल जाता है, और वाह काफी जबरदस्त व्हाइट बोर्ड मिल गया। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं स्टेशनरी ज्योमेट्री बॉक्स में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। तो ढक्कन ओपन किया दोस्तों, ढक्कन ओपन करते ही ये देखो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमें 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है, ये देख सकते हो एक शार्पनर मिल जाता है, ट्रांसपेरेंट शार्पनर मिल गया, एक गाइस इरेजर मिल जाती है ये देख सकते हो, और एक गाइस हमें मार्कर मिल गया जिससे गाइस हम अपने व्हाइट बोर्ड पर वर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमें दो पेंसिल भी मिल जाती है, ये देख सकते हो दो दो पेंसिल मिल गई, दिखाता हूँ आपको। तो ये देख सकते हो दो पेंसिल और दोनों पेंसिल गोल पेंसिल है, और सबसे अच्छी बात है दोनों पेंसिल के पीछे गाइस हमें इरेजर मिल जाती है, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और क्या मिलता है दोस्तों, इसे हटाते हैं तो ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने मिल जाते हैं, ट्रे हटाते तो नीचे भी काफी अच्छा स्पेस है और काफी बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, काफी गहरा कंपार्टमेंट मिलता है। और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स में देखो दोस्तों हमें मिलता है एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स, ये देखो दोस्तों
कितनी जबरदस्त और कितनी प्यारी यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसमें मिलता है एक पेंसिल लॉक, एक कंपार्टमेंट मिल जाता है और इस पेंसिल लॉक में गाइस हम अपनी 5 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। काफी अमेजिंग। और यहाँ पे दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 बटन मिलते हैं और पांचों बटन का कलर बिल्कुल अलग अलग है। तो ब्लू बटन को दबाया तो शार्पनर ऊपर आ जाता है दोस्तों, देख सकते हो। पिंक बटन को दबाया तो कैलेंडर बाहर आ जाता है और यहाँ से गाइस हम कैलेंडर का डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। तीसरे बटन यानी येलो बटन को दबाया तो येलो बटन को दबाते ही कंपार्टमेंट बाहर आ गया। काफी अच्छा स्पेस है इसमें भी दोस्तों। चलो रेड बटन को दबाया, रेड बटन को दबाते ही थर्मामीटर बाहर आ गया दोस्तों। और ग्रीन बटन को दबाते, ग्रीन बटन को दबाते ही देख सकते हो यहाँ, देखो दोस्तों हमारा कंपार्टमेंट बाहर आ गया, जो गाइस हमारा ढक्कन खोलने के बाद मिला था दोस्तों, वही कंपार्टमेंट दोस्तों ग्रीन बटन को दबाते ही बाहर निकलता है। वो अगेन दिखाता हूँ दोस्तों कैसे। तो चलो इसे बंद करता हूँ। ग्रीन बटन को दबाया तो ये देख सकते हो कंपार्टमेंट बाहर, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। सो साइड रखते हैं और देखते हैं गाइस हमें क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर। तो इस बॉक्स में गाइस हमें मिलते हैं एक और यूनिकॉर्न की मेटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त, कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं और उससे पहले देखो दोस्तों फ्रंट में हमें कैलकुलेटर मिल जाता। ओहो वाओ यार, काफी बड़ा और काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों कैलकुलेटर मिल गया और इस कैलकुलेटर में ऑन ऑफ का अलग अलग बटन भी दिया हुआ है। चलो ढक्कन बंद करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करके देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो ट्रे पे दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। ट्रे हटाते हैं तो नीचे काफी अच्छा स्पेस है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगी दोस्तों। तो आपको ये यूनिकॉर्न की कैलकुलेटर वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलती है एक मर्मेड प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स। ये देख सकते हो कितनी जबरदस्त और कितनी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो इसका ढक्कन ओपन करते हैं। तो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करने से पहले तो ये देखो दोस्तों इसका लॉक कितना जबरदस्त है। ये देखो दोस्तों दो लॉक है, इन दोनों लॉक को स्लाइड करेंगे दोस्तों, देखो जब जाके ढक्कन ओपन होगा। अरे वाह, काफी अमेजिंग। चलो ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ही कंपार्टमेंट मिलता है और इस कंपार्टमेंट में हमें 2 सेक्शन मिल जाते हैं, देख सकते हो। साथ ही दोस्तों इसमें हमें एक मार्कर मिल जाता है और ये देखो दोस्तों हमें एक व्हाइट बोर्ड मिला, मार्कर मिला तो व्हाइट बोर्ड भी मिल गया। ये देख सकते हो 2 in 1 व्हाइट बोर्ड मिल जाता है। अरे वाह, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग व्हाइट बोर्ड मिल गया यार। और यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी एक कंपार्टमेंट मिल गया और इस कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस और काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगी दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स का लॉक तो मुझे काफी जबरदस्त लगा और इस ज्योमेट्री बॉक्स का दोस्तों मुझे व्हाइट बोर्ड भी काफी जबरदस्त लगा और व्हाइट बोर्ड पे टेबल देखने को मिल जाता है हमें दोस्तों। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो इस बॉक्स में ये देखो दोस्तों हमें मिलती है काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करते ट्रे पे दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है। स्पेस काफी अच्छा है, काफी अमेजिंग है। ट्रे हटाते हैं और ये देखो दोस्तों ट्रे तो अटैच है इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ। और वाह, ये भी काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है दोस्तों। नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगी दोस्तों। तो ये भी काफी जबरदस्त ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। और देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स हो गया बिल्कुल खाली दोस्तों और इस बॉक्स में तो हमें एक से बढ़कर एक चीज मिली। और इस बॉक्स में जो हमें फिश वाली हाईलाइटर मिली ना, ये मुझे काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग लगा दोस्तों। तो आपको इस बॉक्स की सबसे अच्छी स्टेशनरी आइटम कौन सी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे से अनबॉक्सिंग के साथ और अच्छे से कलेक्शन के साथ, अच्छे से वीडियो साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।